इस वीडियो में हम शेयर करेंगे हमारा हम्पी का बजट ट्रैवल प्लान। हम यहाँ ट्रांसपोर्ट, फूड, होम स्टे और टूरिस्ट अट्रैक्शंस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। हम्पी के नियर बाय सिटीज में हॉस्पेट क्लोजेस्ट सिटी है। कर्नाटक के हर मेजर सिटीज से यहाँ बसें आती है। हमारी जर्नी बादामी से स्टार्ट हुई थी। बादामी का सेपरेट वीडियो बनाया है। बादामी केव्स और पट्टाडकल टेंपल मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कर्नाटक ट्रैवल प्लान में मस्ट विजिट प्लेसेस है। बादामी के बस स्टैंड से हमें इरकल तक बस मिली और इरकल से आगे हॉस्पेट तक कनेक्टिंग बसेस अवेलेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद बसेस नॉर्मल एरी है और सस्पेंशन भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्रैवल में। मुंबई और पुणे से वीआरएल ट्रैवल्स की डायरेक्ट बसेस भी है, उस केस में बजट एक्सटेंड हो जाएगा। हॉस्पेट से हम्पी बस स्टॉप तक अराउंड किलोमीटर है और बसेस एवरी 15 मिनट फ्रीक्वेंसीज से चलती है। बसेस क्राउडेड भी होगी तो भी चढ़ जाना, एस लोकल्स बीच वाले स्टॉप्स पर उतर जाते हैं। हॉस्पेट बस स्टैंड पर भी स्टे का ऑप्शन है, पर यहाँ पर तभी रुकना अगर कोई ऑप्शन आपको हम्पी में नहीं मिलता है तो। जैसे ही आप हम्पी के ग्रैंड हिस्टोरिकल गेट्स क्रॉस करते हैं तो पता चल जाता है कि हम कोई और एरा में आ गए हैं। हमने हमारे हम्पी ट्रैवल एक्सपीरियंस की 3 वीडियोस बनाई हैं, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखना। होम स्टेज। हम्पी के प्राचीन विरूपक्ष टेंपल के साइड में बहुत सारे होम स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये होम स्टे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो, क्योंकि सारे मेजर मॉन्यूमेंट्स यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर हैं। स्टे कॉस्ट भी रिजनेबल है। हम रुके थे लक्ष्मी हेरिटेज होम्स में, फेयरली गुड इनफ टू स्टे फॉर 2 डेज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू एक्सप्लोर हम्पी। हम्पी घूमने के लिए आपको मिनिमम 2 to 3 डेज चाहिए। हम्पी ट्रैवल इटनरी 3 ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, विरूपक्ष टेंपल और उसके सराउंडिंग मॉन्यूमेंट्स। सेकंड, रॉयल एनक्लोजर। और थर्ड, हिप्पी आइलैंड। फर्स्ट डे हमने विरूपक्ष टेंपल और उसके सराउंडिंग मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर किए। हमें उस दिन पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विरूपक्ष टेंपल से विट्ठल टेंपल तक आपको ट्रैक करके जाना है। ये एंशियंट पाथ है और रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। विट्ठल टेंपल में एंट्री फीस है। यहाँ पे आपको फेमस रॉक चैरियट, विट्ठल टेंपल, मंडप, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। इस दिन का एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, तो आप ये ज़रूर देखना। दोपहर में यहाँ पे तेज़ धूप पड़ती है, इसलिए दोपहर को रेस्ट करने के बाद हमने विरूपक्ष टेंपल देखा और उसके बाद सनसेट देखने हेमकुटा हिल्स पर आए। ये प्लेस एकदम सही थी टू एंड आवर डे। हमारा फर्स्ट डे का डिटेल्ड वीडियो जरूर देखना फॉर दैट एडवेंचर। सेकेंड डे हमने विरूपक्ष टेंपल बस स्टॉप से बस ली। सुबह के 7:30 बजे हैं और हम करेंगे हमारे हम्पी के डे 2 की शुरुआत अंडरग्राउंड शिवा टेंपल से। यहाँ से स्टार्ट होती है रॉयल एनक्लोजर की जर्नी। अंदर घूमने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं देखने के लिए,
हैट या कैप ज़रूर कैरी करना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी प्लेसेस ओपन एरिया में होने की वजह से। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर है हज़ाराराम टेम्पल, लोटस पैलेस, एलिफेंट स्टेबल, स्टेपवेल, महानवमी दीबा, क्वींस बाथ। पूरा एनक्लोजर देखते देखते 4 to 5 hours आराम से निकल जाते हैं। क्वींस बाथ प्रेमासेस से बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाती है। यहाँ से हम होटल आ गए। रेस्ट करने के बाद विरूपक्ष टेम्पल के सराउंडिंग में जो बचे कुछ प्लेसेस थे वो भी हमने एक्सप्लोर कर लिए। ससे कालू गणपति, कले काड़ू गणपति, कृष्ण टेम्पल, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, ये सारे हमने एक्सप्लोर किए। कर्नाटक सीरीज में बीजापुर, बदामी, हम्पी, पट्टडकल, आईहोल, मैसूर, ये सिटीज कवर की थी, तो वो वाले वीडियोस भी ज़रूर देखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फूड। ईटिंग ऑप्शन विरूपक्ष टेम्पल के प्रमाइसेस में अवेलेबल है। यहाँ पे आप इडली, वड़ा, बोंडा, पूरी भाजी ये रोड स्टॉल पर ट्राई कर सकते हैं। लंच और डिनर के लिए मैंगो ट्री बेस्ट ऑप्शन है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और बहुत सारे खाने के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मील्स थोड़े प्राइसी है बट क्वांटिटी अच्छी आती है एंड बाकी प्लेसेस से रिलायबल भी है। यहीं पे हमारा हम्पी का डे टू का ट्रिप एंड होता है। आपको हमारी जर्नी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।